टेस्ट में, तो आपको क्या लगता है ये सीरीज में स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा? सर इस इंडियन के पास ना तो वर्ल्ड का वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है जडेजा और अश्विन, और लेकिन मुझे लगता नहीं है सर इनका कुछ ज्यादा रोल होने वाला है। बेसिकली अश्विन है वो अगर विकेट में हेल्प भी नहीं है तो भी वो विकेट चटका लेंगे, उनके पास इतने स्किल्स हैं। जडेजा के पास अगर विकेट में मदद ना हो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरी नजर में। और दूसरा सर आपने उनको, मैंने बोला था कि हमने उनको गड्ढों पे खिलाया था तो ग्रीन विकेट पे खेलने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, वो बैकफायर भी कर सकता है उनके लिए। और रिसेंटली अभी संजय मांद्रेकर का स्टेटमेंट था कि वी कैनॉट कॉल अश्विन द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर्स, तो क्या आप इससे सहमत हैं? अश्विन फॉर मी इज एन ऑल टाइम ग्रेट सर। मैं कुछ टाइम पहले तक, अब आज से दो साल पहले, हरभजन सिंह को उनके ऊपर रखता था, लेकिन अभी उन्होंने इतना अचीव कर लिया है अपने क्रिकेटिंग कैरियर में कि उनको ऑल टाइम ग्रेट की फहरिस्त में, मतलब 5-5 टेस्ट सेंचुरीज और मेरे ख्याल से 3,500 के तकरीबन टेस्ट रन और 400+ विकेट्स हैं, और वो भी सबसे तेज, माइंड ब्लोइंग स्टैट्स, तो ऑल टाइम ग्रेट। शायद अगर वो अच्छे अपनी फिटनेस का उन्होंने ख्याल रखा है तो शायद वो वॉर्न से आगे निकले। मुरलीधरन तो मेरे को लग रहा है थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वॉर्न से आगे निकल जाएंगे। लेकिन इंडिया इंडिया के जो ऑल टाइम ग्रेट्स है, आपको जो वेटरन्स है वो बोलेंगे तो ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ स्पिनर में पसंद आए? देखिए सर आज की दुनिया ना सर मेमोरीज के चक्कर में नहीं चलती है, किसी ने क्या 10 साल पहले किया था, 12 साल पहले किया था वो कोई याद नहीं रखता, लेकिन करंट में कौन स्टार सुपरस्टार उसी चीज को याद रखते हैं। तो अश्विन के स्टैट्स ऐसे हैं सर कोई उनको नकार नहीं सकता है, तो आई थिंक अश्विन इज ऑन अ वर्ज ऑफ ऑल टाइम ग्रेट, और वो मेरे हिसाब से तो आप उनको शामिल ही कर लीजिए। मांजरेकर साहब ने आई डोंट नो या वो प्लेयर के अंदर से कुछ निकलवाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये वर्डिंग्स डाली हो, क्योंकि जडेजा के ऊपर भी उन्होंने बिट्स एंड पीसेस प्लेयर वाला कुछ ठप्पा लगाया था और जडेजा ने उनको अच्छा जवाब दिया था। होप सो अश्विन भी कुछ ऐसा ही करें। अश्विन ने तो ऑलरेडी किया है, लेकिन और सब ठीक है कि या प्रसन्ना का एक अलग ही करिश्मा था। प्रसन्ना हैज डन वंडर्स अभी तो ठीक है। देखिए सर उस टाइम ना हमारे पास तेज गेंदबाज नहीं होते थे जिन पर हम रिलाई कर सकते हो, जो तेज गेंदबाज, इनफैक्ट धोनी के टाइम तक भी धोनी को वो गेंदबाज पसंद है जो लाइन लेंथ पे बॉल डाले और बॉल को स्विंग कराए उनको। लेकिन विराट कोहली जब से टीम के कप्तान बने उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करी कि मुझे टीम चाहिए, वो टीम चाहिए जिसमें आउट ऑफ आउट फास्ट बॉलर्स हों, और उन्होंने इस चीज को अच्छे से मैनेज किया है। उस टाइम तो स्पिनर्स के अलावा सर हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता था, तो हमारे जो मीडियम पेसर्स होते थे वो हल्का हल्का बॉल आगे डाल के स्विंग कराते थे, और जो हमारे स्पिनर्स थे वो बॉल तेज डालते थे, बॉल जडेजा टाइप बॉलर होते थे, मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से। तो बॉलिंग का भी फर्क है, मोस्टली बॉलिंग उन्हीं लोगों को करनी पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास जसप्रीत बुमराह, ईशान शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, एक से एक हमारे पास नायब तेज गेंदबाज तैयार बैठे हैं सर। कल ही किसी इंग्लैंड के बड़े प्लेयर ने बोला है कि ग्रीन टॉप रख के इंग्लैंड को फायदा इंडिया के सामने नहीं होगा, क्या लगता है? तो आपको स्पिनिंग विकेट्स भी नहीं देंगे सर, ठीक है, और ना ऐसी विकेटें देंगे कि आपके पाप के पास भी खपू खपू बड़े बड़े बल्लेबाज हैं कि आप दोहरे शतक लगवाए इंडियन बैट्समैन से, तिहरे शतक लगाए। देखिए उनके पास एक रिस्क ऑफ फैक्टर है उनके लिए, लेकिन ग्रीन टॉप वो लोग देंगे सर। और क्या लगता है एंडरसन और ब्रॉड ये सीरीज में भी काफी इंडिया को तकलीफ देंगे? देखिए लाइन लेंथ के बॉलर हैं, एंडरसन है, बॉल को स्विंग कराते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड है, लेकिन पहले ये भी देखना है हमें क्या वो साथ खेलेंगे, इंडियन इंग्लैंड की टीम क्या उनकी जगह मार्क वुड को खिलाएंगे या ओली स्टोन को खिलाएगी, अब ये भी तो देखना है। उनका रोटेशन पॉलिसी किसी के भी समझ में नहीं आया, लेकिन उनके लिए वर्क कर रही है, वर्क कर रहा है तो देखिए अभी। लेकिन मेरे ख्याल से आपको इस सीरीज से बड़े बड़े सितारे निकलते हुए दिखेंगे। परम क्या है, क्या आपने हरमिसन को देखा है? हाँ स्टीव हरमिसन को देखा है मैंने। हरमिसन जैसा बॉलर इंग्लैंड में उसके बाद बहुत साल में नहीं आया है। क्या अभी मार्क वुड अभी भी हरमिसन टाइप बॉलर, स्टीव हरमिसन की बात कर रहे हैं ना आप, उन्हीं के जैसे बॉलर लगते हैं वो, आउट एंड राइट, मतलब पेस है उनके पास, बाउंस है, स्किल्स है। तो इंग्लैंड के पास एक टाइम आया था जब उनका जो अटैक जो टेस्ट क्रिकेट में होता था वही उनका ओडीआई क्रिकेट खेलता था, लेकिन अभी उन्होंने चीजों को चेंज किया जब से एंड्रू स्ट्रॉस आए हैं उनके डायरेक्टर बनके, एस्ली जाइल्स का भी रोल बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से
बॉलिंग इज नॉट एन कंसर्न. स्टीव हर्मिसन ठीक है, हम उनको 2005 की एशिज की वजह से याद रखते हैं, लेकिन वॉज अ ग्रेट बॉलर, बट इंग्लैंड के पास बॉलिंग में ऐसी कोई कमी नहीं है, उनके पास कप्पू से कप्पू बड़े गेंदबाज हैं. अरे कल ही नाजीर हुसैन ने कल या परसों एक स्टेटमेंट दिया था कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है वो आजकल काफी अक्रॉस खेल, काफी क्रिटिसाइज किया था उन्होंने कि इंग्लैंड को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अक्रॉस खेल रहे हैं और मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलने चाहिए, दे शुड प्ले द नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट. आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पे, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पे सर सबकी नजर रहती है, फ्रेंचाइजीज को खुश करने का सबके दिमाग में रहता है कि वो जाए इंडियन प्रीमियर लीग में खेले. ये बात आपने सही बोली. हाँ तो सभी चाहते हैं अपना बैंक बैलेंस बनाए आईपीएल में खेले. ठीक है उतना ठीक है, आप कंट्री के लिए खेलते हो. फाफ डु प्लेसी ने भी कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी कि मतलब आईसीसी इवेंट्स के अंदर ही टीमें खेलती नजर आएंगी अगर लीग्स को, इतने लीग्स के बढ़ते स्तर को नहीं रोका गया तो. हर हर एक देश है, अफगानिस्तान की खुद की लीग है, बांग्लादेश की खुद की है, श्रीलंका की खुद की है, पाकिस्तान की खुद की है, वेस्ट इंडीज की खुद की है, सिर्फ एक बेचारा न्यूजीलैंड बचा है, इंग्लैंड की खुद की है, बिग बैश है ऑस्ट्रेलिया के पास. तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत बढ़ गई है सर, तो इट कैन बी रीजन. और आपको लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग जो है आजकल इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट इन द डिकेड? या आई विल एग्री. उनकी सबसे बेसिकली जब से एंड्रू स्ट्रॉस ने संन्यास लिया है, रिटायरमेंट लिया है, तब से उनको एलेस्टर कुक को उनका कोई ओपनिंग पार्टनर ही नहीं मिला है. कभी आपके निक कॉम्पटन आए हैं, कभी वो 2014 की जो एशेज में जॉनसन के अगेंस्ट थे वो, उनका माइकल कारबरी आए हैं, मतलब उनको ना एक एपल ओपनिंग पार्टनर नहीं मिला. जब से एलेस्टर कुक ने रिटायरमेंट लिया है तो तब से उनके पास रोरी बर्न्स है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन उनके पास बैट्समैन की कमी है. जो रूट कब तक इस टीम को साथ लेके चलेंगे, किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा. हाँ लेकिन बेन स्टोक्स है आए हैं, जोस बटलर को उन्होंने इंक्लूड किया है, तो लेकिन उनके फॉर्म के ऊपर भी देखना पड़ेगा ना उनका फॉर्म कैसा है. नाम तो बड़े बड़े हैं उनके पास. मुझे याद आ रहा है कि 72-73 सीरीज में जब टोनी लुइस के कैप्टन थे और इंडिया में उनकी टीम आई थी तो ऐसा ही चल रहा था. मतलब उनके ओपनर्स थे ये डेनिस एमिस और बैरी वुड, और मतलब टोनी लुइस थे, कुछ प्लेयर्स खेलते थे, लेकिन हमारे जो स्पिनर्स थे उन्होंने वो मतलब उनको बोल के आउट करते थे. पहले दो विकेट तो उनको 15-20 रन के ऊपर तीन टेस्ट में ऐसा हो गया, लेकिन उसके बाद जो डेनिस सिमिस प्लेयर है या फिर बाद में काफी अच्छे डेवलप हो गए. तो क्या लगता है कि इंग्लैंड अभी ये स्टेज में है कि टीम डेवलप हो रही है या फिर? देखिए इंग्लैंड की टीम के पास ऐसा नहीं है, काफी टाइम से वही उनका सेम स्क्वाड खेल रहा है. एलेस्टर कुक ने रिटायरमेंट ली है तो कुछ नए प्लेयर्स आए, जैसे जैक क्रॉली आए हैं, टॉम सिबली आए हैं, रोरी बर्न्स ने एलेस्टर कुक को अच्छे से रिप्लेस किया है, लेकिन जॉनी बरेस्टो हो गए उनके पास, जो रूट हो गए हैं उनके पास, और बेन स्टोक्स हैं, जॉस बटलर है, तो ये तीन चार का उनका कोर ग्रुप तो सेम है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर्म नहीं लगी हुई है सभी की, अकेले जो रूट फॉर्म में चल रहे हैं. तो इंडियन टीम के लिए न्यूजीलैंड की, सॉरी इंग्लैंड के अंदर सीरीज जीतने का और WTC जीतने का बहुत सुनहरा ऑफर है. और इंडिया की मुझे लगता है बिल्कुल कंप्लीट पैकेज ऑफ स्क्वाड है वहां पर इंग्लैंड के अंदर गई है, हर चीज, हर असला बारूद है आपके पास सीरीज जीतने के लिए. परम यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अबाउट कैप्टनसी, कि यहाँ पे हमारे कैप्टन है विराट कोहली, जी कैप्टनों के जो रूट तो यहाँ एक बड़े खिलाड़ी जो अभी कमेंटेटर है उन्होंने जो रूट को बहुत क्रिटिसाइज किया था, अनइमेजिनेटिव कैप्टन बोला गया था. ये कैप्टनसी का जो टसल है वो क्या रंग लाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए क्रिटिसाइज किया गया था जो रूट को कि उन्होंने एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर को नहीं खिलाया था, खुद बॉलिंग डालने आ जाते थे, डैन लॉरेंस से बॉलिंग करवा लेते थे, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम ने पहले टेस्ट मैच में मिच सेंटनर को खिलाया था और दूसरे टेस्ट मैच में एजाज पटेल को खिलाया था, और उन्होंने ऐसे ऐसे टाइम पे आके विकेट ली थी दूसरे टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने कि आके मैच जितवा दिया है. तो कई बार आपका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है कि हमें सामने वाली टीम को, अब ग्रीन कंडीशंस को देख के ना, सभी के लिए चार तेज गेंदबाज एक लग्जरी होते हैं. अच्छा जी, सभी चार तेज गेंदबाज के लिए एक लग्जरी हो जाते हैं,
देखिए बैटल चल रहा है, दोनों प्लेयर्स ने अपने आप को प्रूव किया है और मीडिया हाउसेस का तो काम है सर बोलने का। एक ऐसा ही सवाल पूछता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ द वे है, ये अंशुमन गायकवाड़ जो खिलाड़ी थे हमारे, जी 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 वो पहले 5 नंबर पे बैटिंग करते थे, जी जी फिर आस्ते आस्ते वो 3 नंबर पे आ गए और ओपनिंग ही किया इंडिया के लिए, इंडिया के लिए बाद में उन्होंने ओपनिंग ही किया क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छी तरह से खेलते थे, वेस्टइंडीज में भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है जी जी जी। और वो राइजिंग डिलीवरीज को एक अच्छे खेल श्री शर में हमने देखा है उनकी बैटिंग को, और वो राइजिंग डिलीवरीज को बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही कंफर्टेबली खेलते थे जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेल सकते थे। तो वैसे ही एक ऐसे ख्याल आ रहा है मुझे कि आस्ते आस्ते हनुमा विहारी विनिंग बैट्समैन बन सकते हैं क्या इंडिया के लिए। हमने हनुमा विहारी से ऑस्ट्रेलिया की 2018 सीरीज में ओपन भी करा के देखा था, लेकिन हमें ना सर ऐसी क्रिकेट देखने के आदि हो चुके हम लोग की आते ही स्ट्रोक्स लगाए, पृथ्वी शॉ गए, शुभमन गिल हो गए, हमारे पास मयंक अग्रवाल, इनफैक्ट मयंक अग्रवाल भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो अभी शायद हम लोग देखना ही नहीं चाहते हैं सर हनुमा विहारी को उस रोल के अंदर, ना टीम मैनेजमेंट इस चीज के बारे में सोच रही होगी। हाँ उनके लिए वीवीएस लक्ष्मण वाला रोल है, उनके लिए टीम में उनका एक अच्छा खासा रोल है और वो हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे ना सी परम, जब इंडिया में सीरीज होती है क्राउड का एक प्रेशर होता है कि स्कोर रेट अच्छा रखो, इससे बैटिंग बहुत इजी होती है कंपेयर टू ओवरसीज कंडीशंस इजी होता है, लेकिन बाहर जब हम जाते हैं तो क्राउड का प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। एज दे से गोइंग इज नॉट इजी, इट्स टफ, टू स्टे देयर फॉर 3 आवर्स इज टफ, और ऐसे माहौल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड बैट्समैन चाहिए ओपनिंग के लिए। चेतेश्वर पुजारा है, पुजारा को ओपनिंग करने का आइडिया अच्छा था, लेकिन वो इतने महान बड़े खिलाड़ी है कि अब उनकी पोजीशन को हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हनुमा विहारी के बारे में मैं देख रहा हूँ कि शायद उनको आगे चल के गड़बड़ हो गई ऊपर, क्योंकि दोनों बैट्समैन जो है, रोहित शर्मा ऑल्सो ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, वो वन लिमिटेड ओवर्स के लिए, लेकिन हमने 2019 वर्ल्ड कप में देखा था रोहित शर्मा की 5 सेंचुरीज हैं, 2013 लेकिन हमने एक बार मौका भी तो देके नहीं देखा है ना रोहित शर्मा को। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और साथ के साथ शुभमन गिल ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे लगता है एक और मौका देना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, इनकी टेक्निक्स को देखना चाहिए कैसा ये, अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई तो आपके पास मयंक अग्रवाल है उस चीज के लिए, तो मुझे लगता नहीं है सर कि अभी हनुमा विहारी को टीम मैनेजमेंट इस रोल के बारे में सोचेगा। रोहित शर्मा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन जी जी जी। जो दूसरा स्पॉट है उसके बारे में तो एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं। हाँ अगर अगर इफ शुभमन गिल फेल होते हैं तो हनुमा विहारी का सोचा जा सकता है। अगर किसी को आप केएल राहुल को भी बोल रहे हैं इस रेस के अंदर, अगर इंडियन टीम को एक बैट्समैन की जरूरत होगी तो केएल राहुल को भी मैं हनुमा बिहारी से आगे रखूंगा इस रेस के लिए, तो अभी टीम मैनेजमेंट ओपनिंग और हनुमा बिहारी आई डोंट थिंक सो सर, जब तक कोई मतलब इंजरी वगैरह ऐसी ना हो जाए कि आपको मेकशिफ्ट ओपनर बनाना पड़े, वरना आई डोंट थिंक सो कि हनुमा बिहारी का कोई रोल होगा ओपनिंग करने के लिए। परम तुमने एक पॉइंट बताया अभी के प्रेशर के, पब्लिक का प्रेशर स्ट्रोक्स लगाने हैं, तो आपको एक चीज में एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि कपिल देव ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपको शायद तभी आपको याद नहीं है कि तभी आप छोटे थे, रवि शास्त्री बहुत ऐसे ऐसा ही गेम खेलते थे कि खड़ूस टाइप का, मतलब बिल्कुल स्ट्रोक नहीं लगाते थे, जस्ट लाइक चेतेश्वर पुजारा, लेकिन उनको मतलब स्टैंड में से काफी बुइंग होता था, कुछ भी होता था, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही खेलते थे और अंत में 100 वगैरह करके वो पवेलियन में जब लौटते थे, तो कपिल देव ने यही कहा था कि चाहे पब्लिक की कुछ भी मांग हो, लेकिन हमारी मांग अंदर पवेलियन में यही रहती है कि आप जाके उधर खड़ा रहो, क्योंकि हमको पता है कि उधर जाके खड़ा रहना कितना मुश्किल है और खड़ा नहीं रहोगे तो कोलैप्स हो जाता है, तो ये जो आप बोलते हैं कि पब्लिक, लेकिन पब्लिक ओपिनियन, ड्रेसिंग रूम ओपिनियन,
इसमें काफी फर्क रहता है, समझना होगा और ये सभी दर्शकों को भी समझना होगा कि ऐसा नहीं होता है, पब्लिक कुछ बोले और वही जो बैट्समैन है वैसा ही खेलते हैं, ऐसा नहीं है। काफी समय हमने देखा विराट कोहली भी 80-80 बॉल लेके मतलब 10 रन 15 रन करते हैं स्टार्टिंग, मतलब आप देखो अभी लास्ट फ्यू टेस्ट मैचेस देखो विराट कोहली जैसे बैट्समैन, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन, तो आप क्या बोलोगे? मतलब ये जो आप बोलते हैं वो इतना ये जस्ता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट चाहिए, टेस्ट क्रिकेट ऐसा ही होता है, एंड में तो रिजल्ट देखा जाता है। टेस्ट क्रिकेट को इसीलिए तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम बोला जाता है सर। आप चेतेश्वर पुजारा का अभी देखिए स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत सारे कंसर्न होते हैं, इनफैक्ट हमारे कुछ काबिल दोस्त हैं उन्होंने भी बोला था पहला टेस्ट में जब 36 साल आउट हुआ था इंडिया का कि चेतेश्वर पुजारा को अब टीम से बाहर कर दीजिए, उनका स्ट्राइक रेट ऐसा है, उनसे रन नहीं बनते हैं, टीम पे प्रेशर आ जाता है, लेकिन वो अपने कम्फर्ट जोन में खेलते हैं, उनको एक जो जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे तरीके से निभा देते हैं। देखिए फैमिली की सॉरी कंट्री की फीलिंग्स होती है, जनता की आवाम की फीलिंग्स होती है, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, चाहे वो रन आपके लिए चेतेश्वर पुजारा बना के दे, चाहे वो रन आपको ऋषभ पंत बना के दिए। देखिए इस टीम में चेतेश्वर पुजारा भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने की ऋषभ पंत है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर प्लेयर की पर्टिकुलर जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरा, इंग्लैंड में रन बनाने के लिए आपको अपनी ईगो को ना घर पे रख के आना पड़ता है। आप ये नहीं आप थ्रू द लाइन आपने शॉट लगा दिया और आपको चौका मिल गया, एजेस का डर रहता है वहां पे। पर हम किसी भी गेंदबाज को ना ऐसा कहा जाता था हमारे मतलब 70s-80s में, वो फास्ट बॉलर स्पेशली इंग्लैंड में एक बार सीरीज खेला ना कि वो पक्का बॉलर बन गया, वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गया, जो कपिल देव बन गया था तभी 70s-80s में। उसने पहले इधर खेले थे सीरीज, लेकिन वहां जाने के बाद उसने जो आउटस्विंग डेवलप किया और उसको जो रिकॉग्निशन मिला तो अलग ही लेवल पे चला गया कपिल देव सीरीज के बाद। वैसे मोहम्मद सिराज को इस मामले में चांस है, क्योंकि हमारे ईशांत शर्मा और बुमराह तो वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं ऑलरेडी, मोहम्मद सिराज को एक चांस है अगर उसको मौका मिला, मिलना मुश्किल है, लेकिन आप जैसे कहते हो कि मोहम्मद शमी मैच फिट नहीं रहेगा या फिर वो सेकंड इनिंग्स बॉलर है वगैरह, तो अगर सिराज को मौका मिल गया तो वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है इस सीरीज में, क्या लगता है? देखिए एक थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करूंगा पहले इंग्लैंड का सॉरी न्यूजीलैंड के अटैक में और इंडिया के अटैक में। न्यूजीलैंड के पास ना अच्छे स्विंग बॉलर है, टीम साउदी अच्छा आउट स्विंगर है, ट्रेंट बोल है अंदर की तरफ बॉल को लेके आएंगे, और नील वैगनर उनके पास ना वैरायटी है अटैक में। अच्छा। लेकिन हमारे पास हम मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा सारे हिट टू डेक बॉलर हैं, वो सीधा सीम मूवमेंट पे रिलाई करते हैं बजाय के स्विंग मूवमेंट पे, और इंग्लैंड में हम लोगों को चाहिए स्विंग मूवमेंट है, और हमारे पास बेसिकली भुवनेश्वर कुमार हमारी टीम के अंदर नहीं है, तो मोहम्मद सिराज के पास वो एबिलिटी है बॉल को हिलाने की, तो आई थिंक उनके लिए उनके कैरियर के लिए ये दौरा उनको उनके कैरियर में आगे ही लेके जाएगा, पीछे नहीं लेके जाएगा, और वो इस दौरे पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आई बिलीव। ग्रेट ग्रेट जी। तो क्या अभी फाइनल प्रेडिक्शन बोलो? मेरा प्रेडिक्शन है इंडिया 2-1 जीतेगी सीरीज, क्या लगता है? 3-1 इंडिया। अरे क्या बात है। अरे 3-1 इंडिया, क्योंकि उनके खुद के मसले मिसाइलें सॉल्व नहीं हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, कभी उनका कोई वो प्लेयर्स को फुल स्क्वाड को अपनी स्ट्रेंथ के साथ खिलाते ही नहीं, कभी उसको रोटेट करना है, कभी उसको रोटेट करना है, सिर्फ एशेज के लिए तैयार रखना है उन्होंने अपनी पूरी स्क्वाड को। चलो ठीक है, मैं भी परम के साथ जाऊंगा 3-1। देखते हैं क्या होता है। 3-1 इज ग्रेट है, 3-1 अगर हो गया तो मजा आएगा यार। 3-1 जी 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 जी, कोहली सोचेगा कि रिटायर हो जाए भैया। देखिए कोहली के पास देखिए उन्होंने सीरीज जीती है 2018 ऑस्ट्रेलिया में, 220 वाली जो सीरीज थी, जो अभी सीरीज कंप्लीट हुई थी, 36 साल आउट हुआ था और फिर उसके बाद वो घर आ गए, तो देखिए ओवरसीज विन नहीं है विराट कोहली के पास भी, जो वो चाहते हैं उनके पास हो, तो ये इंग्लैंड दौरा उनका ये सूखा समाप्त कर सकता है, और 2013 के बाद कोई ICC ट्रॉफी। Yes. मतलब एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी राजेश जी। हाँ। जी जी जी, हम सभी प्लेयर्स के बारे में हमने बात की, लेकिन हमने अब तक शास्त्री रवि शास्त्री जो कोच है उनका रोल
और उनका रोल की अहमता, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं। क्या आपको लगता है ये देखिए सर सीरीज में बीइंग रवि शास्त्री इज वेरी टफ। ठीक है, अगर आपकी टीम जीतती है तो आप क्रेडिट आपको पर्टिकुलर प्लेयर्स को दिया जाता है। इनफैक्ट आप ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, सभी ने बोला जिंक रियानी लेड वेरी वेल, लेकिन उस टीम के अंदर जो रवि शास्त्री का रोल था, उन्होंने एज अ फादर फिगर इन सारे युवा प्लेयर्स को उन्होंने गाइड किया था जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया है। तो आई थिंक रवि शास्त्री अगर अच्छा परफॉर्म करती है टीम तो उनको तारीफ मिलती है, लेकिन जब भी टीम का परफॉर्मेंस उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता है तो सबसे पहले शास्त्री को ही टीम से बाहर निकालने की बातें होती हैं। तो लेकिन आपको कहना है कि उनका रोल क्या होता है, वो तो बात छोड़ दिए, क्या होता है वो क्या नहीं, लेकिन उनका रोल क्या होता है, क्या लगता है आपको उनका रोल क्या होता होगा कि इतने बड़े टीम है, बड़े प्लेयर्स है, तो उनका रोल क्या होता होगा एज अ कोच? मोस्टली देखिए टेक्निकल फ्लोज के लिए आपके पास बैटिंग कोच है विक्रम राठौड़ है, फील्डिंग कोच है, बॉलिंग कोच है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से जो रवि शास्त्री का टीम मैनेजमेंट का ही उनका मतलब मेन रोल होता है कि सभी प्लेयर्स को आप बाइंड अप रखो और इन प्लेयर्स को जो भी पर्टिकुलर असिस्टेंट कोचेज हैं वो सारे उनको रिपोर्ट करें और बेसिकली इस टीम को वो चलाएं। देखिए मेरे ख्याल से तो उनका यही रोल है। शायद आपने ऑस्ट्रेलिया में जब फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद 36 उसके बाद रवि शास्त्री ने एक स्पीच दिया था, शायद आपने सुना नहीं होगा, तो वो उन्होंने उसका आया वीडियो है उधर, तो काफी उन्होंने जबरदस्त स्पीच दिया था कि यू आर वेयरिंग द इंडियाज बैच इंडियन जर्सी, यस 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 यस, इट मैटर्स अ लॉट। सो वो जो उन्होंने लोगों को काफी मतलब देखिए उन्होंने उनके देखिए रवि शास्त्री का ये उनका पॉइंट रहा है स्टार्टिंग से, ही इज अ मोटिवेटिंग पर्सन। उन्होंने देखिए आपने उन्होंने जैसे मोटिवेट किया, दूसरे टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी लगाई, तीसरे टेस्ट मैच में हनुमा बिहारी का हैमस्ट्रिंग फटा पड़ा था, अश्विन से जुगा नहीं जा रहा था, फिर भी वो टेस्ट मैच बचा के लेके आए। ऋषभ पंत ने चौथे टेस्ट मैच में आप हम सब लोगों को पता है कि उन्होंने क्या कारनामे करके दिखाए हैं। तो देखिए मोटिवेटर तो है रवि शास्त्री और बेस्ट उनको पता है किस प्लेयर से कब किस वक्त बेस्ट निकालना है, वो उनको अच्छे से मालूम है, तभी तो शायद अनिल कुंबले की जगह उनको लेके आया गया। तो उनका रोल ऐसा होता है कि जैसा डायरेक्टर का रोल होता है, डायरेक्टर जो फिल्म में बेस्ट निकालता है एक्टर, भले कोई भी हो, अमिताभ बच्चन कोई भी हो, शाहरुख हो या फिर सलमान खान हो, लेकिन डायरेक्टर उससे बेस्ट निकालता है। बिल्कुल आपने देखा भी होगा हनुमा बिहारी का हैमस्ट्रिंग फटा पड़ा था फिर भी टेस्ट मैच बचा गए थे, ठीक है हाँ। और आपने देखा होगा रविचंद्रन अश्विन उनकी वाइफ ने ट्वीट किया था कि उनसे झुका भी नहीं जा, तो हमको क्रेडिट देना पड़ेगा रवि शास्त्री को ड्रा कराया जो भी लोग बोलते होंगे। लेकिन मुझे क्या लगता है कि टू अंडरस्टैंड दिस यंग जनरेशन, ये जनरेशन को समझ लेना, हमने भी हमारे घर में हमारे वर्क प्लेस में बिजनेस में या फिर खेल में अभी इनको समझना बहुत मुश्किल है और वो शास्त्री को बहुत अच्छी तरह से समझ अंडरस्टूड द यंग जनरेशन। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि यंग जनरेशन अच्छी है या प्रीवियस जनरेशन वाले अच्छे थे, ऐसे नहीं, लेकिन इनकी सोच अलग है और उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, विराट कोहली ने स्टेटमेंट दिया था कि ये लोग जिस उम्र में मैं खेलने आया था और जिस उम्र में ये लोग खेलते हैं, अगर मैं उन दोनों एजेस को कंपेयर करूं तो ये लोग मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं। और उन बंदों को संभाल के रखना रवि शास्त्री ने इस चीज को अच्छे से लेके किया। मयंक अग्रवाल का सीरीज खराब हुआ था लेकिन फिर भी उनको टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, टीम के अंदर है वो, उनको मौका मिलेगा और उनका टाइम आएगा और उनको भी मौका मिलेगा। तो यंग प्लेयर्स को अच्छे से संभालना रवि शास्त्री को बहुत अच्छे तरीके से आता है। द्रविड़ का भी बहुत बड़ा रोल है, राहुल द्रविड़, लेकिन उसके बाद जब शास्त्री के हाथ में आ गई तो शास्त्री ने भी कमाल कर दिखाया। किसी ने भी नहीं सोचा था, इनफैक्ट ना आपने सोचा था ना हमने सोचा था, हम सभी लोग लेके चले थे कि 4-0 क्लीन स्वीप होगा इंडिया, विराट कोहली घर चले गए, मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए, जडेजा टीम के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट निकाला है रवि शास्त्री ने। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि इस टीम में सिर्फ एक बंदा ही रह गया था, कार्तिक त्यागी, अगर किसी को बॉल लग जाता और कंकशन सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ती तो इस बंदे को ही लेके आना पड़ता टीम। मुझे अभी कंक्लूड करना है, तभी मैं एक बात करता हूँ सभी दर्शकों को जी, कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करना, बाजू में बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए,
और हमारी एक स्कीम चल रही है अभी कि कोई जो अंडर प्रिविलेज स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर्स है, अंपायर्स है, और एनीबडी हु इज रिलेटेड विद स्पोर्ट्स, ग्राउंड्समैन और स्पोर्ट्स के कोई भी ग्राउंड्समैन एनीबडी, तो अगर आप उनको मदद करना चाहते हैं तो हमने हमारी एक स्कीम लॉन्च की है जिसके थ्रू हमने ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स को मदद दी है। अगर डिटेल्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको सब फोन नंबर्स वगैरह मिलेंगे और वहां से आप हमें कांटेक्ट कीजिए और वहां से हम आप स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू।